चाहे वो चंडिहार की लोकल लीडरशिप रही हो या फिर बनी की लोकल लीडरशिप रही हो हमेशा चंडिहार के साथ जो है उन्होंने इस चंडिहार को नोचने का काम किया है लूटने का काम किया है और हमेशा यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया है सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए जो वो लोग यहाँ पर आए और वोट हासिल किया लेकिन फिर दोबारा इन लोगों को यहाँ पर नहीं देखा देर रात तेज हवाओं के चलते प्राइमरी हेल्थ सेंटर चढ़िया की इमारत को पहुंची क्षति गनीमत रही क्षति पहुंचने से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ आपको बता दें कि 30 साल पहले बनी थी यह अस्पताल की इमारत अब क्षतिग्रस्त की कगार पर है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है देर रात क्षति पहुंचने के बाद जोनल मेडिकल ऑफिसर ने इमारत को असुरक्षित करार दिया और इमारत में न रहने का फैसला लिया तो वही स्थानीय लोगों ने अस्पताल की इमारत को जल्द मरम्मत करने और सरकार तथा प्रशासन से मांग भी की नाम ग़ुलाम अब्बास है सर रात को हवा आई तूफान आया और इसमें सब टीन शीन उड़ गई तो लिहाजा यहाँ जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ है और इसमें खतरे वाले काम हो गए इसलिए कि इस यहाँ की बिल्डिंग बननी चाहिए लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारे जल्द से जल्द काम हो जाए सुबह जो है इन्होंने फ़ोन करके यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हॉस्पिटल की जो इमारत है वो क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है और रात को जब हवा चली टीन भी उड़ चुकी है और यहाँ पर ये कुछ लोग हैं ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर कुछ आए यहाँ पर इन्होंने इलाज भी करवाना था कोई बीमार है लेकिन करवाएंगे कहाँ यहाँ पर अगर इस हॉस्पिटल में पानी आ रहा है बारिश हो रही है तमाम मेडिसिन जो यहाँ पर रखी है वो गीली हो चुकी हैं बेड तक गीले हो चुके हैं आखिर लोग जाएंगे कहाँ और मैं यही सरकार से और यही मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे यही मांग करना चाहूँगी कि कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को जो है वो रिपेयर किया जाए और ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े और मैं अक्सर कहता हूँ जो भी यहाँ पर लीडरशिप रही हो चाहे कि चाहे वो चंडियार की लोकल लोकल लीडरशिप रही हो या फिर बनी की लोकल लीडरशिप रही हो हमेशा चंडियार के साथ जो है उन्होंने इस चंडहिहार को नोचने का काम किया है लूटने का काम किया है और हमेशा यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया है सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए ये वो लोग यहाँ पर आए और वोट हासिल किया लेकिन फिर दोबारा इन लोगों को यहाँ पर नहीं देखा आज ये लोग परेशान हैं यहाँ पर यहाँ पर ये लेडीज आई हुई थी बच्चा लेके के कहाँ इलाज करवाएंगी वो यहाँ पर बेड गीले हैं सारी मेडिसिन गीली हो चुकी हैं हॉस्पिटल जो है वो ख़राब हो चुका है यहाँ तक वो क्षतिग्रस्त होने के कंगार पे अगर ये गिर जाता है यहाँ पर जानी को नुकसान होता है खुदा ना करे ऐसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है उसका आज वो लीडर कहाँ हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम लोग जो है आपका विकास करेंगे लेकिन आज इन लोगों के बीच में कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे आखिर वो लीडर कहाँ छुपे हैं इनकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है आज वो खराब हो गई लेकिन वो आज यहाँ पर इन लोगों के बीच में होने चाहिए थे लेकिन वो आज नहीं है उन्होंने सिर्फ यहाँ पर वोट की राजनीति की है और मैं यही बार बार कहता हूँ कि चंडिहार के साथ वोट की राजनीति मत कीजिए चंडहार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और ये गरीब तबके से बिलोंग करने वाले लोग हैं और हमेशा आप लोगों ने इनको लूटने का काम किया है हमेशा आपने वोट की इस इनके साथ राजनीति की है अब वो चलने वाली नहीं है यहां पर जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए ताकि यहां के चंडिहार के लोगों को परेशान ना होना पड़े बार बार हम कहते हैं कि यहां पर भेदभाव किया जाता है भेदभाव किया जाता है कोई भी सुनने वाला नहीं है सारे के सारे जो है सिर्फ सिर्फ वोट वोट की राजनीति कर रहे हैं हाल ही दिनों पहले यहां पर आसमानी बिजली गिरी तब भी यहां पर लोगों को जमीन पर लिटाकर डॉक्टरों ने इलाज किया डॉक्टरों को बैठने के लिए जगह नहीं दो कमरे हैं पीएचसी चंडिहार है ये पीएचसी और यहां पर सिर्फ दो कमरे डॉक्टर कहां बैठेंगे स्टाफ कहां बैठेगा लोग आएंगे उनका इलाज कहां होगा पहले भी यहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ यहां पर जब आसमानी बिज, बिजली गिरी तो लोगों को जमीन पर लटा के इलाज करना पड़ा और तब भी ना डिपार्टमेंट और ना करे यहां पर कोई जानी नुकसान होता है तो वो डिपार्टमेंट और सरकार यहां की जिम्मेदार होगी और आखिर में फिर से यही मांग करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग की रिपेयर की जाए ठीक की जाए और जो स्टाफ की कमी है उसको भी यहाँ पर पूरा किया जाए। तरीके ये जो कल रात को यहाँ पे काफी तूफान चला उस तूफान की वजह से ये जो ऊपर छत की जो टीन है ये उड़ चुकी है और मोस्टली uh, हम यहाँ पे हमारे मेल स्टाफ यहाँ पे स्टे करते हैं लेकिन हमारी फ़ीमेल मल्टीपर्पज़ है क्योंकि हमारे पास रूम एक है तो उस रूम में एक ही आदमी स्टे कर सकता है जहाँ फीमेल करेगी तो जहाँ मेल करेगी तो हमारी फीमेल स्टाफ फीमेल मल्टीपर्पज़ ये जो हैं जमीला मैडम जी ये कठुआ से आए हैं इनका घर भी यहाँ पर नहीं है तो इनको मजबूरी यहीं पर रुकना पड़ता है तो वो अभी यहाँ पे स्टे कर रहे थे इस वजह से बाकी के मेंबर्स जो थे वो यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे थे और वो रात को यहाँ पे अकेले थे जब ये तूफान चला ये टीन उड़ गई और बारिश होने लग पड़ी जिसकी वजह से इनको भी बड़ी दिक्कत आई फिर उन्होंने रात यहीं हॉस्पिटल में काटी या किसी घर चले गए नहीं ये, ये ये रात बारह एक बजे की बात है फिर उन्होंने किसी भी हालत पूरी रात जाके ही इन्होंने काटी है किसी कोने में बैठ के ये देख रहे थे हाँ हाँ अकेले थे और पूरी रात ये कभी के जहाँ पर बारिश आ रही थी पानी आ रहा था कभी वहाँ पे कोई बर्तन रख रहे थे कभी कुछ कर रहे थे और किसी कोने में पूरी रात इन्होंने बैठ के निकाली है और सुबह इन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया तो मैं सुबह ही यहाँ पे आ गया था ये देखने के लिए और इस चीज़ को लेके मैंने अपने कंसर्निंग बी को भी इन्फॉर्म किया मैं यहाँ पे यहाँ पे ना स्टाफ को रखूँगा ना मैं पेशेंट को रखूँगा पहले तो मैं बी साहब से और सी साहब से बात करके रिक्वेस्ट करके उनसे परमिशन लूंगा कितने काफ़ी पेशेंट आते रहते हैं यहाँ भी क्योंकि पी है ये कंसर्निंग बग कोटी चंडिहार दोला ये सारा एरिया जो है इस एरिया के पेशेंट जो यहाँ पे आते रहे वो दूर दराज के एरिया हैं तीन तीन घंटे पैदल चल के यहाँ पे आते हैं और मेरी हालत आप देख रहे हो कि मैं खुद भीग चुका हूँ और ये मैं बारिश में बाहर खड़े होने से नहीं भीगा हूं, अंदर भीगा हूँ ये जितना पानी बाहर था उससे ज़्यादा क्योंकि ऊपर से छत रही नहीं है और यही हालत रही तो कुछ भी हो सकता है अब मैं रिस्क नहीं लूँगा मैं इस चीज़ के लिए सी साहब से भी बात करूँगा और बी साहब से भी बात करूँगा और वो कब मुझे इस चीज़ के लिए लो करते हैं शिफ्ट करने के लिए लेकिन उससे पहले ही मैं आज किसी के घर में और आप पता है आपको पता है या कि यहाँ के लोग गरीब हैं एक एक दो दो कमरे हैं वो मुझे कहाँ रखेंगे स्टाफ को कहाँ रखेंगे लेकिन मजबूरी है किसी के घर में अब ये पीएससी चलेगी और वहीं पे स्टाफ भी रहेगा और वहीं पर पे हम पेशेंट देखेंगे ये चीज़ जो है इस पी को टोटली नज़रअंदाज किया गया है हम लोगों को बोला जाता है कि पेशेंट को अच्छी फैसिलिटीज़ दो डिलीवरी करवाओ पूरी उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बच्चों को लेकिन कहाँ दें हम ट्रीटमेंट इस बारिश में हम कहाँ बैठे उनको कहाँ बिठाएं उनको एडमिट कहाँ करें और जिस हिसाब की ये कंडीशन है खुदा ना खासता ये बिल्डिंग जिस दिन कोलेप्स होगी इसके नीचे पता नहीं कितनी लाशें निकलेंगी कितने लोग मिलेंगे और जिस दिन यहाँ पे लाइटनिंग हुई थी जहाँ बिजली गिरी थी वो भी आपने उस दिन आपने मीडिया पे चलाया था और ऐसे लोग आ रहे थे जैसे लाशें उठा के ला रहे थे लोगों को इतनी दूर से और मेरे पास लटाने के लिए बेंच तक नहीं बचा था कुछ मैंने बरांडे में लटाए थे और कुछ लोगों के घरों में लटा के उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और वही कंडीशन आज है अगर आज यहाँ पे इमरजेंसी आ जाती है मेरे बेड टोटली गीले हो चुके हैं अंदर पानी आ चुका है छत रही नहीं है बैठ लटाने की तो छोड़ो बैठने की जगह नहीं है और इतनी बुरी हालत में हम किसी भी नाकाम है लोगों को मैं हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी होटल होटल नटराज ने नेटराज होटल अपने ग्राहकों को हर प्रकार की दे रहा है सुविधाएं तो आए अपने खास लम्हों को और खास बनाए होटल नटराज के संग रूम बुकिंग के लिए कॉल करें एट जीरो एट डबल टू वन टू एट डबल फोर